मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर ड्रीम्स विद यूवी। आज हम निकल रहे हैं सिकंदरा के लिए। सिकंदरा में आपको दिखाएंगे अकबर के टॉम, मरियम टॉम भी दिखाएंगे। चलिए देखिए, टिकट है भैया 80 की है। अभी हम आ चुके हैं आगरा के सिकंदरा, जो कि अकबर का टॉम है। और अभी हमने यहाँ पे पार्किंग में एंट्री की है, और आपने जैसे कि देखा 80 रुपये की पार्किंग है यहाँ पे, 80 रुपीज़ की कार पार्किंग। और अब हम चल रहे हैं अंदर की ओर, सिकंदरा की ओर। सिकंदरा में आपको टिकट QR कोड के स्कैन करके मिलेगी या फिर ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू। सिकंदरा जो है वो है अकबर की टॉम, बहुत ही फेमस जगह है ये। अकबर ने अपनी टॉम यहाँ सिकंदरा के अंदर बनाने के लिए प्लान किया था 1605 में, बट वो एक्सपायर हो गए, तो उनके बेटे सलीम, जहांगीर जिन्हें बोलते हैं हम लोग, उन्होंने इस टॉम को कंप्लीट किया। इस टॉम को कंप्लीट करने में 8 साल लग गए, 1605 से लेके 1613 में बन के रेडी हुई है। और इसको बनने का जो खर्चा आया वो आया 15 लाख रुपये का उस समय के हिसाब से। ये पूरी जो सिकंदरा जो आप देख रहे हैं एरिया, ये पूरा लैंड ये है आपका 119 एकड़ में, 119 एकड़ के अंदर ये बना हुआ है। और एंट्री टिकट है 25 रुपीज़, एक्सेप्ट फ्राइडे। फ्राइडे को आप आएंगे तो आपको 20 रुपये लगेगा, 5 रुपये का टैक्सेस में डिस्काउंट मिलता है। मैं अपने भाइयों के साथ आया हूँ, दोनों भाई मेरे पीछे हैं, ये भी वीडियोस बना रहे हैं, ये देखिए। तो आपको हर एंगल से कैप्चर करके हम दिखाएंगे इस सिकंदरा टॉम को। इसके बाद हम जाएंगे मरियम टॉम, मरियम उज्जवानी जो कि अकबर की वाइफ थी, जिन्हें जोधा भाई भी बोला जाता था, और उनका नाम था हर की भाई। जैसे कि मैं आपको और चीज़ बताना चाहूँगा, आगरा आने के लिए आपको दिल्ली से ट्रेन मिल जाती है, बस मिल जाती है। दिल्ली से अगर बाय ट्रेन आते हैं तो आप सरायकाले खां या न्यू दिल्ली से इजीली ट्रेन मिल सकती है आपको, क्योंकि आगरा आने के लिए आपको 2.5 से 3 घंटे लगाएगी। और आगरा स्टेशन से सिकंदरा आना 15 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि हार्डली 30 से 35 मिनट लगेंगे आपको। इसके अलावा बाय बस आ सकते हैं आप आगरा, बस भी यहाँ पे आने में 2.5 से 3 घंटे लगाती है। अगर अपनी सेल्फ कार से ड्राइव करके आते हैं उसमें भी आपको 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। तो आगरा आने के काफ़ी जरिए हैं, दिल्ली NCR से तो बहुत ईजीली एक्सेसिबल है आगरा। अगर कोई बाहर से आ रहा आउट ऑफ स्टेशन से, तो बाय ट्रेन आ सकता है, बाय फ्लाइट आ सकता है दिल्ली, दिल्ली से फिर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है आगरा आने के लिए। आगरा के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, ताजमहल, रेड फोर्ट। और अभी हम लोग हैं सिकंदरा के अंदर, जो कि टॉम है हमारे अकबर की। मुग़लों के राजा हुआ करते थे अकबर, उनकी टॉम सिकंदरा में है, जो उन्होंने खुद प्लान की थी, बट वो अपनी टॉम को बनाना चाहते थे सिकंदरा में। उससे पहले ही वो एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई। उसको फिर कंप्लीट किया उनके बेटे जहांगीर, जो कि सलीम के नाम से जाना जाता था, सलीम अनारकली को तो आप जानते ही हैं, और फेमस स्टोरी रही है उन लोगों की। यहाँ से बिल्कुल पास ही मरियम उज जवानी, जोधा बाई आमिर की रानी हुआ करती थी, जिनसे अकबर ने शादी की थी, अकबर की वाइफ। मरियम उज जवानी टॉम में भी हम जाएंगे, जो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर है। वहाँ की हिस्ट्री भी हम आपको बताएँ, काफ़ी अच्छा और काफ़ी विशाल है ये, और काफ़ी खूबसूरत टॉम लग रहा है मुझे। चलते हैं आगे अंदर, मैं आपको इसकी वीडियोस भी दिखाता हूँ। गेट है जो ये एंट्री है यहाँ की, पीछे देख रहे हैं आप मेरे, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे हम ताजमहल के छोटे वर्जन में आ गए हों। बहुत ही अच्छे लग रहा है मुझे यहाँ पे घूमते हुए, लेकिन मैं आपके साथ यहाँ की हिस्ट्री शेयर ना करूँ तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ की हिस्ट्री क्या है। तो बस यहाँ पर जब भी आएँ अपना सामान अच्छे से आराम से कैरी करके चलें, बंदर काफ़ी शरारती हैं और आपका सामान छीन सकते हैं। अभी मैंने 1-2 लोगों के सामान इन्होंने छीन लिए, इसलिए मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगा।
और इसके अलावा फ़ोन वो नहीं छीनते, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मुझे इतना परेशान नहीं कर रहे हैं, शायद इसलिए कि मैं इनकी हिस्ट्री बता रहा हूँ। तो जैसे कि मैं बताने वाला था, राजा राम सिंह जाट जो थे वो थे, उन्होंने इस सिकंदरा के अंदर सब कुछ गोल्ड वोल्ड जो था वो लूट लिया था। रीज़न ये था कि गोकुल सिंह को मुग़ल एम्पायर ने मार दिया था, जो कि गोकुल सिंह जाट थे, उन्होंने भी उनसे फ़ाइट की थी मुग़लों से। राम सिंह जाट को फिर बाद में औरंगजेब ने मरवा दिया, उनसे बदला लिया, क्योंकि उन्होंने अकबर की टॉम को पूरा उनकी टॉम को उखाड़ के उनके बोन्स को जला दिया था, अंदर से पूरा सब कुछ जला दिया था फायर से। जैसे मैंने आपको बताया था, पूरा लूट लिया था राम सिंह जाट ने इसको, उसके बाद उनके अकबर की जो कब्र थी उससे पूरा जला दिया गया था, उनकी बोन्स को भी और सब चीज़ों को। लेकिन लॉर्ड कर्जन, जॉर्ज कर्जन अंग्रेज़ों के टाइम में 1904 में आए, उन्होंने इसको दोबारा से रिस्टोरेशन किया या रिनोवेट किया आप बोल सकते हैं। सिर्फ सिकंदरा को ही नहीं और बाकी की जो भी और मुग़ल एम्पायर की बिल्डिंग्स थी उनको रिनोवेट किया उन्होंने। काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है यहाँ की। पहले सिकंदरा लोधी आया, सिकंदरा लोधी के नाम पे सिकंदरा का नाम सिकंदरा हुआ, उसके बाद मुग़ल्स आया, मुग़ल्स ने इस एरिया को चुना अकबर ने अपनी टॉम के लिए, फिर उसको जहांगीर ने कंप्लीट किया, और फिर बाद में लॉर्ड जॉर्ज ने जो 1905 में आए थे उन्होंने इसे रिनोवेट किया। भाई घूम रहे हैं साथ में मेरे और काफी मजा कर रहे हैं। कैसा लगा आपको सिकंदरा? बहुत बढ़िया लगा जी। क्या एंजॉय किया आपने यहाँ पे? क्यों अच्छा क्यों लगा सिकंदरा में, ऐसी क्या खासियत लगी आपको? जो बिल्कुल हरियाली, सबसे अच्छी हरियाली है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिकंदरा का नाम सिकंदरा क्यों बोला जाता है, अकबर क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि सिकंदरा लोधी के टाइम पे सिकंदरा जो एरिया था, आगरा एरिया था, यहाँ की राजधानी थी, सिकंदरा के लोधी के नाम से इसका नाम सिकंदरा पड़ा, क्योंकि उन्हीं ने इसको बिल्ड किया था। ये पूरा सिकंदरा घूमा मैंने आपको, यहाँ की पूरी हिस्ट्री बताई आपने, हिरन भी देखे, बंदर भी देखे, हर चीज़ देखी, और हमने अंदर से जाके आपको वो भी दिखाया, अकबर का टॉम जो बना हुआ है अंदर। थोड़ी सी हिस्ट्री मैं एक बार में आपको और ब्रीफ कर देता हूँ जाते जाते। ये अकबर का जो टॉम था ये स्टार्ट हुआ था, मतलब अकबर ने प्लान कर लिया था 1602 में इस ज़मीन को पूरी तरीके से कि मैं यहाँ टॉम बनाऊँगा, मतलब प्लान पहले ही कर लिया था उन्होंने। बट वो जब इसे बनाना रेडी करना चाह रहे थे 1605 में, जब उनकी मृत्यु हो गई, फिर उनके बेटे जहांगीर ने, जिन्हें सलीम बोला जाता है, उन्होंने इसको कंप्लीट किया। इसे कंप्लीट करने में 8 साल लगे, 8 साल के अंदर इसमें टोटल खर्च आया 15 लाख रुपए का, उस टाइम के हिसाब से जो अब करोड़ों में अरबों में होगा। ये पूरी की पूरे जो एरिया आप देख रहे हैं काफ़ी ग्रीनरी एरिया है, ये 119 एकड़ के अंदर बना हुआ है, 119 एकर्स के अंदर। यहाँ आइए विंटर्स के टाइम पर, अक्टूबर से मार्च में, क्योंकि आगरा में गर्मी काफ़ी होती है, लेकिन आप अक्टूबर से मार्च के टाइम पे आएंगे तो काफ़ी इन्जॉय करेंगे, धूप मिलेगी, आप पिकनिक बनाने आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा है ये, यहाँ से पास 1 किलोमीटर की दूरी पे ही मरियम की टॉम है, जो अभी हम यहाँ से जाएंगे देखने के लिए। मरियम की टॉम भी दिखाएंगे, जो अकबर की वाइफ थी, जो कि हिंदू राजपूत थी, जोधा अकबर बाबर, वो भी हम चलेंगे, उसकी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे। काफ़ी खूबसूरत है, पूरी तरीके से हमने इसे कवर किया है, मुझे लगता है ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा हमारा वीडियो। तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स करना ना भूलें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। वो देखिए, एक ब्लैक कलर का स्पेशल सा है, ब्लैक हिरन है, ब्लैक हिरन।